Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेवन्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। वर्कबुक का विकास मैथमेटिक वर्कबुक चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज में पेज नंबर 48 पे है क्वेश्चन नंबर आपका 10। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। लाइन सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, देन प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन 2AM। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले जो है ये जो आपका यहाँ पे लाइन सेगमेंट दिया गया है AM, लाइन सेगमेंट AM जो है ये मीडियन है ए ट्रायंगल ABC का। मीडियन मतलब यहाँ पे उसके बिटवीन में आया हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा ABC। ये मेरा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। आप कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हो, सपोज मैं इस तरह से बनाऊँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ABC लिख देना है, ABC। अब जो है AM मतलब A से मीडियन कहाँ पे ड्रॉ होगा, इसी लाइन पे आएगा BC पे, तो इन दोनों के बीच में आएगा। ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों के बीच में बिटवीन में आएगा यहाँ पे, तो AM हमारा मिडवीन यहाँ पे हो जाएगा मीडियन। मीडियन का मीनिंग होता है यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट पे जिस पे आप ड्रॉ कर रहे हो उसको बिटवीन में। इसका मीनिंग हुआ ए वाला जो साइड है ये साइड इक्वल होगा, यहाँ पर हम AM बना देते हैं हम। ओके, तो BM इज इक्वल टू MC, ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा यहाँ पे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। सोल्व करने के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हो AB BC एंड CA तीनों आना चाहिए, तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। ट्रायंगल ABM में यहाँ से हमें AB मिल जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ABM इन ट्रायंगल ABM। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, स्टेटमेंट था कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। मीन्स आप कोई भी यहाँ पे टू साइड का सम करो ट्रायंगल का, वो थर्ड साइड्स के मान लो ग्रेटर होता है। तो मैं यहाँ पे AB प्लस BM लिख लेता हूँ, AB प्लस BM। अब ग्रेटर देन किससे आएगा, AM से, थर्ड साइड से, इससे ये ग्रेटर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। नाउ सेम आपको ACM में ट्रायंगल ACM या फिर AMC में लेना है। इन ट्रायंगल ACM, ACM में ले लेते हैं, तो सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सम ऑफ टू साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे AC प्लस CM को ऐड कर लेते हैं। AC प्लस CM इज इक्वल टू ग्रेटर देन आपका आएगा यहाँ पे AM, क्लियर। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं। नाउ एड इक्वेशन एंड 1 एंड 2। देखो यहाँ से AB एंड CA मतलब AC लाना है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर लो। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM, इसके साइड इधर का ऐड करो और ए ग्रेटर देन के इस साइड है, इन दोनों को इधर से ऐड कर लो, AM प्लस AM। नाउ अब आपको पता है यहाँ पे देखो AB ये रहा। अब जो है ये BM प्लस CM मतलब MC, ये दोनों है BM प्लस CM, ये दोनों को मिला के BC बनता है जो हमें यहाँ पे लाना है। AC ऑलरेडी तुम्हारे पास है तो AC को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो CA है एक ही बात है। तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, AB प्लस BM, ये मेरा प्लस है, इसको मैं इस साइड ला देता हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में रख देता हूँ जिससे आपको पता चले। तो BM प्लस CM प्लस AC ग्रेटर देन AM, AM टू टाइम है तो ये हो जाएगा आपका 2AM यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक। नाउ BM प्लस CM आपका होता है मिला के यहाँ पे BC, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, BM प्लस ए वाला CM इज इक्वल टू होता है BC, तो इसकी जगह मैं BC लिख सकता हूँ, AB प्लस BC प्लस AC ग्रेटर देन आपका
टू ए एम, यही हमसे यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया था, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्वाड्रिलेटरल इन्होंने बोला है उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लें। हम यहाँ पे इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, आप किसी तरह से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे, ओके, तो इसको नेमिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे, यहाँ से देना चाहो तो यहाँ से दे दो, तो यानी फिर इधर से देना चाहो तो इधर से ए बी सी डी। ओके, तो ये देखो ए बी मतलब ए साइड, बी सी मतलब ए साइड, सी डी मतलब ए साइड और डी ए मतलब ए वाली साइड। इन साइड को ऐड करोगे, ये ग्रेटर देन आना चाहिए ए सी, मतलब इसका जो ये यहाँ पे है डायगोनल्स यहाँ पे आपको बनाने हैं। देन बी डी, बी डी कहाँ पे है, ए रहा, इसके आपको इस तरह से राइट करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हमें यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। ए पहले हम एक ट्रायंगल एबीसी में से करेंगे तो हमारा एबी और बीसी वाला साइड आ जाएगा। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल लेंगे तो ए वाला एसीडी वाला, इसमें हमारा सीडी और डीए आ जाएगा। ये चीज़ें मिल गई, बाद में हम इसको वो कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हम यहाँ पे ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में लगाया था। क्या किया था, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए वाला बी सी ग्रेटर देन ए सी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। नेक्स्ट आपका है, इसमें आप लगा दो इन ट्रायंगल, दूसरा वाला जो ट्रायंगल है ए सी डी या फिर सी डी ए, कुछ भी आप बोल सकते हो सी डी ए, इसमें हम क्या करते हैं वही यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो सम ऑफ एनी टू ट्रायंगल, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल मतलब सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए वाले साइड का क्या आएगा आपका यहाँ पे ए सी। ठीक है, ये दोनों आ गए इक्वल, यहाँ से भी ए सी आ गया, यहाँ से भी आ गया ए सी आ गया, मतलब दोनों में ए सी आया। हमें चाहिए क्या, बी डी। अभी देखो बी डी किसी में नहीं आया, तो हम ऐसा कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें बी डी आ जाएगा। तो आप देखोगे अगर हम ए वाला, देखो ए वाला ट्रायंगल यूज़ कर लिए ना, ए वाला भी यूज़ कर लिए, अब हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें ए बी डी आएगा, दिख रहा है बी डी ए वाला। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल हम लेते हैं ए वाला, जिसमें ए वाला आपका है हाइपोटेनस बी डी आए, मतलब ये डायगोनल आए। तो ए वाला ट्रायंगल ले लूँ ए डी बी या फिर ए बी डी, यहाँ पे ए बी डी, इसमें ए बी डी, तब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं डी ए प्लस ए बी, क्या यूज़ करेंगे डी ए प्लस ए बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 ग्रेटर देन आएगा बी डी से, ये जो हमारा है इससे ग्रेटर देन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। नाउ 4 नंबर का इक्वेशन, हम देखो एक आ गया आपका ए वाला ट्रायंगल इसके बी डी से, अब बी डी से दूसरा ट्रायंगल ए वाला बसता है, ए वाले में ले लो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में देखो तो बी सी प्लस ये वाला सी डी ग्रेटर देन आएगा आपका बी डी से, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। नाउ सभी इक्वेशन को ऐड कर देना है, नाउ ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, सभी इक्वेशन को ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे तो ए बी प्लस आपका आएगा यहाँ पे बी सी प्लस ए वाला सी डी प्लस डी ए प्लस अगेन डी ए प्लस ए बी आपका है ए बी, ये आपका ए है, राइट कर लेना यहाँ पे इस तरह से। ओके रफ कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ए बी लिखना है, ए आपका आ जाएगा ए बी, यहाँ तक हमने लिख लिया। नेक्स्ट अभी ये वाला बात बाकी है हमारा बी सी प्लस सी डी, लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हो गया। नाउ ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन हम यहाँ पे राइट कर दिए, अब इसके ग्रेटर देन के राइट हैंड साइड वाले थे उनको ऐड कर दो, यहाँ पे आपका ए सी है तो ए सी, अगेन ए सी है तो ए सी, देन बी डी है तो बी डी, अगेन बी डी है तो आप बी डी राइट करोगे। ओके
अब देखो ए बी आपका टू टाइम होगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, मतलब कितने ए बी हो गए, टू ए बी हो गए। बी सी एक यहाँ पे है, एक आपका बी सी यहाँ पे है, तो वन बी सी टोटल टू बी सी हो गए। सेम सी डी भी टू टाइम दिया हुआ है, तो सी डी मतलब टू सी डी हो गया। प्लस आपका डी ए टू टाइम है, तो ए भी आपका टू डी ए। नाउ ग्रेटर देन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखोगे आपके पास प्लेस हो तो। अब इसके साइड देख लो, दो ए सी इधर भी है, टू ए सी बी डी इधर भी है, तो मतलब ये टू ए सी प्लस टू बी डी। अब यहाँ से देखो टू टू कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा बाहर ब्रैकेट में, इसको लिख दोगे एंड इधर से भी टू कॉमन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से टू बाहर ले लो, बचा क्या अंदर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सब में से हम टू कॉमन निकाल लिए बाहर, प्लस आपका आएगा यहाँ पे टी ए, ठीक है। ग्रेटर देन यहाँ से टू, तो ए सी प्लस बचा क्या अंदर से बी डी, यहाँ पे कॉमन चला गया तो ये बी डी बचा। अब टू यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन बचा क्या यहाँ से ए सी एंड बी डी। तो ये हमारा आंसर आ गया जो हमें प्रूव करना था, इस तरह से हम इस सम को प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है यहाँ पे, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। देन हमें प्रूव करना है यहाँ पे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू टू ए सी प्लस बी डी। सेम हमने ऊपर क्या प्रूव किया था, यहाँ पे जो टू था वो हमने यहाँ पे नहीं लाया था, इस तरह से प्रूव करना था। अब हमें क्या, ओके सॉरी, लेस देन आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल लेस देन टू ए सी प्लस बी डी। इसमें देखो ग्रेटर था, यहाँ पे लेस आ जाएगा, जब लेस आएगा तो ए टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से हमको ए सम को करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग कर लेते हैं जिससे हमारे पास यहाँ पे जगह हो सम करने के लिए, नहीं तो प्लेस नहीं बचेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। नाउ सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे हमने ऊपर के सम में किया था, सेम हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, किसी भी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वो रिक्टेंगल हो या फिर दूसरा कोई पैरेललोग्राम हो या फिर कुछ भी चलेगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको ए बोल देता हूँ, बी बोल देता हूँ, सी बोल देता हूँ, डी। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक डायगोनल, क्योंकि हमें ये देखो ए सी और बी डी ओ करना पड़ेगा, तो ये डायगोनल बन गया। हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ओके, अब ऐसे केस में क्या करेंगे, जब भी आपको यहाँ पे लेस देन लाना हो इस साइड को क्वाड्रिलेटरल का, एंड ये जो यहाँ पे डायगोनल है वो डबल लाना हो इन दोनों का सम का, तो ऐसे केस में हम यहाँ पे छोटे छोटे ट्रायंगल को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए ओ बी में अप्लाई करते हैं, ए वाले ट्रायंगल में, ठीक है। वही फॉर्म जो हमने अप्लाई किया था ऊपर वाले में, वही सब कुछ अप्लाई करना है। तो ट्रायंगल ए ओ बी में इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड का सम करेंगे और थर्ड साइड के ए वाला हमें देखो, पहले हमें जो भी मान लो राइट साइड लाना था उसको हम राइट साइड लिखेंगे, ठीक है, इक्वल के ओ ग्रेटर के। तो इन दोनों का सम ओ ए प्लस ओ बी, तो आएगा यहाँ से ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब ए ए बी के थर्ड साइड आपका आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर टू अभी हमें बनाना है। अब दूसरा एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए वाला, बी ओ सी ले लेते हैं, वन बाई एक बार इसको इसको इसको, फोर्थ ट्रायंगल को वन बाई वन यहाँ पे हम इस तरह से करते जाएंगे। तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इन ट्रायंगल लिख दो यहाँ पे, इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी यही आप अप्लाई करोगे, ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन आपका आएगा बी सी से, ए वाले साइड से, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल दिए। नाउ इन ट्रायंगल ए वाला सी ओ डी में, ट्रायंगल सी ओ डी में क्या करने वाले हम, सेम ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन आपका आएगा सी डी से, इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ इन ट्रायंगल नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल है आपका, ए वाला डी ओ ए या फिर ए ओ डी भी बोल सकते हैं, डी ओ ए, इसमें हम एक इक्वेशन यहाँ पे बना लेते हैं, क्या आएगा ओ डी प्लस ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन आएगा ए डी से या फिर डी ए से, तो ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया हमारा। नाउ सभी इक्वेशन को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। नाउ
ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ये चारों इक्वेशन को हमें ऐड कर लेना है। तो 1 by 1 ऐड कर लेते हैं, इसका ओ ए देन प्लस ओ बी, इसको हम इस साइड बाद में ऐड करेंगे। तो देन यहाँ से आएगा आपका ओ बी प्लस ओ सी, देन यहाँ से ओ सी प्लस ओ डी, यहाँ पे जगह नहीं है आगे लिख देते हैं हम, तो आएगा यहाँ पे ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन, कौन था ए बी था तो ए बी लिखो, यहाँ पे बी सी था तो बी सी लिखो, यहाँ पे सी डी था तो सी डी लिखो, लास्ट में है आपका यहाँ पे डी ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जगह है। ओके, अब हमें सबको ऐड करना है, यहाँ पे क्या करना है ऐड कर लेते हैं। ओ ए, ओ ए देखो 2 टाइम है तो 2 OA आ जाएगा। ओके, देन प्लस प्लस 2 OB, 2 टाइम है वो भी। ओ सी भी आपका 2 टाइम है तो आप यहाँ पे 2 OC लिख दोगे, एंड ओ डी भी आपका यहाँ पे 2 टाइम है तो आप लिखोगे 2 OD ग्रेटर देन, यहाँ पे ये सभी अलग अलग हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये आपका आ गया आंसर यहाँ तक। आगे हम क्या करने वाले हैं ये देखो, अब देखो जब भी आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ओ ए और ओ बी मिला हो यहाँ पे, ओ ए एंड ओ बी कुछ नहीं बना, बट देखो ओ ए एंड ओ सी इन दोनों को एक साथ रखोगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ से ए सी बनेगा, ठीक है। तो यही हम करेंगे, पहले 2 कॉमन भी ले लेते हैं और उसको सेट भी करते जाते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए सबसे सब में से, और ओ ए को लिखा ओ ए, और साथ में इसके साथ कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे, जो इसके साथ आएगा ओ सी को, ये रहा ओ सी को इधर लिख देते हैं, देन ओ बी लिखो, ओ बी देखो ये रहा आपका, इसके इस साइड कौन सा है ओ डी, तो हम इसके साथ ओ डी को लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन था यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, आप लाइन में लिखना, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक तो 2 आपका बाहर है, 2 ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे ओ ए प्लस ओ सी, यहाँ पे देखो ओ ए प्लस ओ सी इन दोनों को ऐड करेंगे आपको फुल ए सी मिलेगा, तो यहाँ पे लिख दो ए सी, एंड ये क्या है ओ बी एंड ओ डी, तो ओ से बी का और ओ से डी का इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें फुल लेंथ मिल रहा है, मतलब बी डी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी डी। ग्रेटर देन क्या आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, सेम आ गया आपका, बस उल्टा लिखे हुए हैं हम ए बी, ये देखो ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, मतलब ये क्या है लेस देन है इससे, और इसको उल्टा भी रीड कर सकते हैं, ए जो है ये ग्रेटर देन है इससे, ठीक है। तो अब इसको उल्टा रिवर्स इस साइड लिख देते हैं, इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इधर लिखे तो मतलब इसको हम क्या करेंगे इस साइड कर देंगे, देखो मुंह किसके तरफ खुला था ए वाले की तरफ पूरे की तरफ, तो हम इसकी तरफ वापस से मुंह इस तरह से खोल देंगे ए डी ए सी प्लस बी डी, इधर बंद था मुंह तो इधर हमने बंद कर दिया, और इधर ओपन था तो इस तरह ओपन कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कम्प्लीट होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब हम स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अब, पेज नंबर आपका 49 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। वन बाय इसको हम रीड कर करके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसका फिगर बनाएंगे, फिगर हमारा बन जाएगा तो देन हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ 5 मीटर सपोज यहाँ पे फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से 6 मीटर जाके ऊपर एक ट्री ब्रोक होती है मतलब टूट जाती है, ये हमारा 6 मीटर हो गया ग्राउंड से, ठीक है। यहाँ पे हम 6 मीटर यहाँ से ट्री ऊपर था और वो टूट जाता है, यहाँ पे सपोज ऐसे ऊपर था और ये टूट जाता है, देन इट्स टॉप जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऐसे ऊपर तक होगा आगे, ये ऊपर वाला जो पार्ट है टचेस द ग्राउंड एट द डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये बेस ऑफ द ट्री है। अबे ग्राउंड से 8 मीटर यहाँ जाके इसका बेस इस तरह से आता है, ये यहाँ पे टच करता है, ठीक है। तो ये आपका होगा 8 मीटर यहाँ पे आके वो टच करता है, ये आपका जो ट्री था यहाँ से कट गया ऐसे, ठीक है, टूट गया, तो और यहाँ पे जाके आपका 8 मीटर डिस्टेंस पे टच करता है,
तो हम इसको पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब देखो स्ट्रेट है, अब ट्री तो स्ट्रेट होता है, उनके बीच का एंगल कितना बनेगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका राइट एंगल बन गया। राइट एंगल बन जाता है तो हम इस और फाइंड क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ यहाँ पे ट्री। तो ओरिजिनल हाइट क्या होगी यहाँ पे, सपोज ये ऊपर तक है तो ए 6 मीटर प्लस एच, ए वाला जो हाइट होगा इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा यहाँ पे आएगा। इसको मैं यहाँ पे एच बोल देता हूँ, आप सपोज ये 8 मीटर तक है, ठीक है। ये जो टूटा है आपका एच, ये यहाँ पे आया हुआ है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला ए सी। तो हाइट ऑफ ट्री जो होता है, हाइट ऑफ ट्री सबसे पहले हमें यहाँ पे लिख देना है, हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, एक तो यहाँ से ए से लेके बी का ए डिस्टेंस प्लस आपका देखो यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। अब यही टूट के कहाँ पे गिरे आपका इस तरह से, मतलब ये क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस था वो ए सी वाला डिस्टेंस होगा, तो हम इसको लिखेंगे ए सी, यही हमें फाइंड करना है। ओके तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास ए साइड है, ए साइड है, अगर हमें ये ए सी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें ए सी को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका राइट एंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का था, बराबर एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस यहाँ पे थ्योरम, यहाँ पे पी आएगा, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जब यहाँ पे जो 90 डिग्री है, ठीक है, इसके बाजू वाला जो एंगल साइड होता है, मतलब ए ए बी और ए बी सी, इन दोनों का सम करते हैं स्क्वायर करके, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है इसके सामने जो साइड होता है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर ए सी का स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पे, किसका स्क्वायर आएगा, ए सी का। ओके नाउ इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू आपके पास 6 है, 6 स्क्वायर, बी सी का वैल्यू आपके पास 8 है, तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 6 यहाँ पे 36 होता है, एंड 8 का मल्टीप्लाई 8 के मतलब 8 का स्क्वायर आपका होता है यहाँ पे 64 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। नाउ इन दोनों को ऐड कर दो, 36 प्लस 64 दैट इज 100 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट आपका 100 आएगा। अब आपको अंडर रूट सोल्व करने आता है, तो इस 100 किसका यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो आपका यहाँ पे ए सी का वैल्यू आ गया यहाँ पे 10 मीटर, सभी मीटर में दिए गए इसलिए हम यहाँ पे मीटर में लिखेंगे इसको। क्लियर यहाँ तक चीज़ें, आगे देखो। अब हमें देखो ए सी मिल गया, अब हम हाइट ऑफ ट्री इजिली फाइंड कर सकते हैं। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, ये देखो ए बी प्लस ए वाला ए सी जो यहाँ पे टूट के इस साइड गिरा हुआ था, तो ए सी इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ए बी आपके पास दिया है 6 मीटर है, ए सी हमने अभी फाइंड किया हमारा कितना आया 10 मीटर आया, 6 + 10 कितना होता है 16 मीटर, ए आ गया इस ट्री का हाइट, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 16 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 15 centimeter and a diagonal is 7, यहाँ पे 17 centimeter। आपको एक यहाँ पे rectangle बनाना है इस तरह से, हम यहाँ पे rectangle बना लेते हैं। वो पहले सबसे पहले यहाँ पे participant, ठीक है, ये हमारा rectangle हो गया, ये किधर से आपको इस तरह से rectangle बनाना है पेंसिल का यूज़ करके अच्छे से। ओके ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पे, कोई भी नेम लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये लिखना है इधर से ए बी सी डी। ओके अभी हमारा क्या आ गया, इसका हमें लेंथ दिया गया, देखो लेंथ बोला है मतलब ये हमारा लेंथ होता है इसका, तो लेंथ यहाँ पे क्या है आपके पास बी सी एंड ए डी, और ये दोनों कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के जो लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ए बी 15 आएगा, ए बी 15 आएगा। अब यहाँ पे डायगोनल दिया गया, कोई भी एक डायगोनल आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, सपोज मैं यहाँ पे ए सी ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, ए सी ए डायगोनल आपको 17 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डायगोनल आपको यहाँ पे 17 दिया गया है। नाउ कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे रिक्टेंगल हो, तो रिक्टेंगल में आप जानते हो जो भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं,
तो इसको अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से लिख दूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एंगल इन ट्रायंगल, देखो इस ट्रायंगल में से हम क्या करेंगे, ए वाली साइड फाइंड कर लेंगे, ए वाला साइड फाइंड हो जाएगा। तो मतलब दोनों देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ए वाला साइड आ गया तो ए वाला साइड भी आपको आ जाएगा। पेरीमीटर फाइंड करना है तो 2 × L + B होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो या फिर सभी साइड को ऐड कर दो। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो ABC आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है एंड BC इज इक्वल टू आपको दिया गया है 15 मीटर एंड आपको AC इज इक्वल टू दिया गया है 17 मीटर। हमें AB फाइंड करना है, AB पहले फाइंड कर लेते हैं, बाद में पेरीमीटर तो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे देखो जो आपका यहाँ पे इन दो देखो, ये आपका राइट एंगल है, इसके साइड इसके बाजू में जो भी साइड्स लगे हैं इनका आप स्क्वायर करके प्लस कर लो। तो AB² ए वाले का प्लस आपका BC² इज इक्वल टू होता है AC² ए वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें AB² फाइंड करना है तो इसको हम AB² लिखेंगे। BC की वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ पे 15, इसका स्क्वायर करना है। देन आपके पास AC का स्क्वायर आपको यहाँ पे करना है, 17 है तो 17 का स्क्वायर करना है एंड 15 है तो यहाँ पे 15 का। तो AB² हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 15 का स्क्वायर आपका क्या होता है 225, मतलब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। देन 17 को आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 289 आएगा। अब हमें AB देखो, A जो है आपका इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो तुम्हारा यहाँ से AB² इज इक्वल टू मिल जाएगा 289, इसको इस साइड ले गए तो माइनस में हो गया -225। अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 289 में से 225 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे क्या 64। तो AB² इज इक्वल टू आपका 64 आ गया। नाउ हमें AB की वैल्यू फाइंड करना है तो AB² क्या आएगा यहाँ पे 64 अंडर रूट में। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 8 × 8 = 64। तो क्या आएगा यहाँ से, इससे रूट कट जाएगा मतलब 1 × 8, तो ये आपका आएगा AB की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ पे 8 मीटर। क्लियर, अब आपके पास ये साइड भी आ गया, AB भी आ गया 8 मीटर, मतलब ये आपका ब्रेथ आ गया। लेंथ आपको दिया गया था तो लेंथ आपके पास है यहाँ पे 15 मीटर एंड ब्रेथ आपने अभी फाइंड किया कितना आया 8 मीटर। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या होता है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देता हूँ, दैट मीन्स क्या हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। L आपका लेंथ होता है, B आपका यहाँ पे क्या होता है ब्रेथ होता है। तो 2L आपको कितना दिया गया 15, तो 15 लिखो एंड B आपको यहाँ पे 8, हमने यहाँ पे क्या आएगा B, ये देखो ये हमारा ब्रेथ है, इसको भी हम ब्रेथ बोलते हैं, तो ये आपका 8 आया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 15 में जब आप 8 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 23। अब 23 को आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 46। ओके, किस में आएगा मीटर में, ओके सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया था तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कर देंगे सभी को, तो ये हमारा क्या आ गया सेंटीमीटर में और ये तुम्हारा आया 46 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 होगा कंप्लीट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 दिया गया है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेम्बस मेजर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेम्बस दिया गया है, रेम्बस का आपको यहाँ पे डायगोनल्स दिए गए हैं एंड आपको उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो रेम्बस को कैसे बनाते हैं, सभी इसके साइड इक्वल होते हैं एंड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं साइड, जो भी साइड हैं इक्वल तो होते ही हैं और क्या होते हैं ये पैरेलल भी होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसका साइड ड्रॉ करना है, तो हम इसका साइड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा हो गया, सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। ओके, इसको हम ओके, ये हमारा हो गया रेम्बस, इसको मैं बोल देता हूँ AB C D। अब यहाँ पे आपको इसके डायगोनल्स दिए गए, मतलब ए वाला आपको BD 10 दिया गया है, कोई भी दूसरा डायगोनल है 24।
ठीक है, एक आपका है यहाँ पे, सपोज मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ए सी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर एंड बी सी को मैं दूसरा डायगोनल है यहाँ पे बी डी उसको ले लेता हूँ 24 सेंटीमीटर। नाउ आपको प्रॉपर्टी पता है यहाँ पे, जो भी मान लो रेम्बस होता है, रेम्बस के क्या होते हैं, जो भी डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। यहाँ पे ये जो है, मैं इस ये जो हमारा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक दूसरे को आधे आधे में बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें कोई भी एक साइड चाहिए, ठीक है, कोई भी एक साइड फाइंड कर लो तो सभी साइड इक्वल आते हैं, तो आप इजिली कर सकते हो। तो ए सी आपको फुल दिया गया, ए वाला हाइट, तो हम यहाँ से ए वगैरह मैं इसको ओ लूँ तो ओ ए फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। तो यहाँ से मैं ओ ए की वैल्यू फाइंड कर लूँगा और ओ डी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ठीक है, या फिर मैं इधर से कर लूँ, यहाँ से मैं ओ बी की वैल्यू फाइंड कर लूँ, ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लूँ, और इस ए देखो ये क्या है आपका, ए वाले बाद में आप पाइथागोरस, यहाँ पे आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये 90 डिग्री। चलो तो इससे करता हूँ मैं, इंट्रैंगल इंट्रैंगल बी ओ सी बी ओ सी, इसमें हम क्या करें, सबसे पहले साइड फाइंड कर लें, ट्रायंगल को बाद में देखेंगे। तो साइड में देखो, तो ये देखो जो बी डी है ये क्या होगा, यहाँ पे ओ बी क्यों फाइंड कर लें पहले, ओ बी, ओके अच्छे से रखो जाओ, ठीक है, ओ बी फाइंड कर लेते हैं। ओ बी इज इक्वल टू आएगा आपका, देखो बी डी का हाफ होगा, वन हाफ किसका, बी डी का। बी डी कितना है आपके पास, 24, तो 24 बाई 2 हो गया, 24 बाई 2 आपका कितना आता है 12 सेंटीमीटर आ गया। ये ओ बी की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब हम ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ओ सी देखो किसका हाफ होगा, इस ए सी का, पूरे को डिवाइड कर दो, ए सी को 2 से डिवाइड कर दो, तो ए सी आपके पास 10 है, 10 बाई 2, मतलब ओ सी आपका आ गया यहाँ पे, ओ सी इज इक्वल टू आपका 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर आपके पास ये ओ सी आ गया। नाउ अब ट्रायंगल में लगा दो, इन ट्रायंगल क्या, बी ओ सी बी ओ सी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था कि देखो ये जो आपका राइट एंगल है, इनके बाजू में जो दो साइड्स हैं, मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाला बी सी स्क्वायर, ये आएगा आपका। यहाँ से हमें बी सी मतलब ये साइड फाइंड करना है, मेन काम यही है हमारा। तो देखो ओ बी आपके पास कितना दिया गया है, 12, इसका स्क्वायर कर दो। देन आपका है यहाँ पे ओ सी, ओ सी आपका 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू आ जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ पे 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 एंड इसका 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया। नाउ 144 प्लस 25 आप ऐड करोगे तो 169 आएगा, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। 169 को आप यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है, आप इसका इस तरह से कर लो, बी सी स्क्वायर को इधर ला दो एंड ये आ जाएगा 169। अब हम देखो इसका जो है ये स्क्वायर है, इधर हम भेज देते हैं, रूट में आ गया इधर ऐसे, और इन दोनों को चेंज कर दिया। अब बी सी की वैल्यू यहाँ से आएगा आएगा, अब देखो अंडर रूट इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 13 × 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर, वन टाइम लिख दो। ये आपके पास बी सी की वैल्यू, मतलब साइड आ गई आपके पास, साइड क्या आ गई आपके पास, बी सी इस रेम्बस का। अब रेम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेम्बस इज इक्वल टू होता है 4 × साइड, ठीक है। अब यहाँ पे साइड हमारे पास एक आ गई, बी सी हमने फाइंड कर लिया, यही हमारी साइड है ये रही, तो बी सी कितना है आपके पास यहाँ पे, 13, तो 4 × 13। अब 4 और 13 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 4 × 13 जो होता है आपका यहाँ पे 52, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ दिस रेम्बस, तो आपका आया यहाँ पे 52 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को उसको सभी के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसमें आपको वर्कबुक का सोल्यूशन, पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सोल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।